लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के सातवें और आखिरी चरण में गोरखपुर जिले के दो लोकसभा सीटों पर 19 मई को मतदान होना है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की सुविधा दी गई है। 600 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में सजाया गया है, जिसमें मतदाताओं के आने पर उनका स्वागत किया जाएगा। इसी के साथ अगर किसी मतदाता के साथ कोई बच्चा आता है तो उसे मिठाई दी जाएगी। इसको लेकर जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेयन और SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने महानगर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुँचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा, पहले एंट्रेंस में कहाँ बिठा था प्रॉपर्टी वेट कर देते हैं उनकी जगह से बना दी गई है। गेट के आसपास ही बना दीजिए, जहाँ पे सरकारी खरीद उन्होंने वहाँ बनाया है, लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ करने का सोचा। सब यहाँ बैठाओगे 17 अगस्त को उन्होंने तो कहेंगे दौड़ देते हैं सर। आपको मेन गेट को लगा बैठना, अभी आप वहाँ लगा रहे हैं सामने जो खड़े हैं वही कमरा है, इसमें बैठने में व्यवस्था कर दी गई है और मतलब भी कर देंगे चार्ज इसमें करिए, ये इसको बंद करके एक बंदा घुसने लायक यहाँ पर तेल लगा, तेल लगी यहाँ, तेल लगा अच्छा उसमें लगा रहे हैं सर। इस बिल्डिंग पे ज्यादा लोड है कुछ लोग, यहाँ तो जगह नहीं कहीं छाया का है ना, घुसते हुए BLO का मिलेंगे ना ठीक रहेगा। इधर तो चार बूथ वाले, इधर जो हमारा वो साइकिल स्टैंड है उसका ओपन तो होना नहीं है, तो वो बना खाली है, बहुत बना लीजिए BLO को हम बिठा देंगे। बहुत एक दो तीन चार चार चक्को 16 तो ऐसे ही एक एक केबिन हो गए कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन रहेगा, देख लेंगे खड़े वाला पंखा लगा खड़े तो बाजगांव गोरखपुर दोनों जगह का मतदान है। 3,434 बूथ है टोटल ये दोनों मिला के। यहाँ तो गोरखपुर क्षेत्र में आप देखेंगे तो गोरखपुर में हम लोग आदर्श बूथ के रूप से तकरीबन 600 बूथ का सजाएं और शहर के अंदर 425 बूथ हैं, यानी तो शहर के अंदर कितने बूथ हैं सब आदर्श बूथ के रूप से सजाएं। बाकी जो ग्रामीण इलाका में बाकी 200-250 बूथ हम लोग सजाए थे, उस पर खासतौर पर क्या छाया का व्यवस्था होगा आपका और पानी पीने की व्यवस्था होगा, बैठने का व्यवस्था होगा, कूलर पंखा का व्यवस्था भी है और व्हील चेयर का भी व्यवस्था है, वॉलंटियर साथ रहेंगे। आप किसी का असहाय मतदाता है, जो दिव्यांग मतदाता है वो उसका यूज़ कर सकते हैं, बुजुर्ग मतदाता भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग ये भी प्रयास किए जो आने वाले का जो हम लोग स्वागत करेंगे, जो जो भी मतदान के रूप से आएंगे उसको स्वागत के लिए भी हम लोग लोग लगा रखा है। फिर छोटे बच्चे कोई साथ आते हैं तो वोटर के साथ उन लोग को भी अलग मिठाई देने के लिए व्यवस्था कर रखा है। इसी टाइप के एक आकर्षण करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास किए। साथ साथ जो अपने प्राइवेट गाड़ी से भी कोई व्यक्ति आने चाहते हैं तो उसको स्वागत है, कोई मना नहीं है, बट 200 मीटर के बाहर जो बूथ के बाहर उनके गाड़ी के खड़ा करना होगा, उसके बाद पैदल आकर के वोट देना होगा। इसी टाइप का पूरा सुविधा हम लोग कर रखे हैं। 3,434 पार्टियां हैं, तकरीबन अभी तो 2,500 पार्टियां तो रवाना हो चुकी है, अभी रवाना हो रही है, अभी 1 घंटे में तो सभी लोग रवाना हो जाएंगे।